ओ ओ भाई, मुंह से पानी छोड़ता है ये भाई साहब, ये मुंह से पानी छोड़ने का काम करता है। ओ इसका ये। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम खेल रहे हैं आर्क जेनेसिस। और आर्क जेनेसिस के इस एपिसोड में गाइस, हम बनाने वाले हमारा होम स्वीट होम। यस गाइस, इस बायोम में हम जो है हमारे सारे डायनोस को, मैंने बोला था पिछले एपिसोड में कि हमको यहाँ पे लेके आना है सारे डायनोस को, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खतरा है उस बायोम में, कोई भी आके मार के जा सकता है। तो इसके लिए हम ये ओशन प्लेटफॉर्म बनाए थे एंड यहाँ पे आज हम बनाने वाले घर। और गाइस, वो सामने कछुआ दिख रहा है, कछुआ बड़ा वाला टर्टल, इसका नाम क्या है? नाम क्या है बाबा? मेगाला चेलोन, क्या नाम है? मेगा चेलोन। ओके, इसको हम टेम करने की कोशिश करने वाले। अगर हमारा घर जल्दी बन गया तो मैं रेयर फ्लावर कल लेके आया था, आपको पता है थेरिजिनोसॉरस टेम करके हम रेयर फ्लावर लेके आए, तो उससे मैं उसको टेम करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे स्वाम्प घूम रही होगी तो अभी मैं एक बार ट्राई मार लेता हूँ उनको, कि यहाँ पे कहीं पे स्वाम्प घूम रही है। स्वाम्प, पूरी स्वाम्प, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक स्वाम्प घूम तो रही है, तो मैं एक्चुअली में एक ट्राई मार सकता हूँ। ओके ओके, मैं ट्राई मार सकता हूँ एक्चुअली में उसको टेम करने का। उसके लिए मैं लेके जाऊँगा अपनी ये वाली बैसिलोसोरस, ठीक है। एंड इसकी हेल्थ काफ़ी बढ़िया है भाई, काफ़ी ज़्यादा इसको लेवल अप आ चुका है, ठीक है। मैं सारा डैमेज में डाल देता हूँ क्योंकि इनकी डैमेज काफ़ी कम होता है, और मूवमेंट स्पीड में डाल देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में स्वाम्प घूम रही है और वहाँ पे कछुआ भी उसको मार रहा है, तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेयर फ्लावर रीड करना पड़ेगा ताकि वो स्वाम्प मेरे पीछे लगे। दो दो स्वाम्प है यहाँ पे, देखता हूँ कि मेरे को ये टारगेट करती है कि नहीं। एक बार बस मैं एक रेयर फ्लावर खा लूँ। कहाँ पे भाई रेयर फ्लावर? स्वाम्प तो यहीं पे है, स्वाम्प यहीं पे है, तो आराम से भाई अपना काम हो सकता है। रुक जाओ, घर क्या भाई बाद में बना लूंगा थोड़ा सा, लेकिन अगर ये स्वाम्प चली गई ना तो मुश्किल से मिलती है इनको ढूंढना, मतलब भाई क्या ही बोले भाई, इतना हार्ड होता है इनको ढूंढना। अगर आपको मिलते हैं कहीं पे तो भाई मौका मत छोड़िए, पहली फुर्सत में निकलिए टेम करने के लिए, वरना बाद में मिलेंगे। इसमें डाल के रखा है क्या मैंने? इसमें डाला है क्या? हाँ, ये रहा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर। ओके ठीक है, चलो लेट्स गो। अब देखते हैं अभी क्या होता है, सिर्फ मेरे को उनको। ओह, यहाँ पे ग्लिच भी है एक, नीचे ऊपर से दिख रही थी लेकिन पानी में जाने पे दिख नहीं दे रही है, ठीक है। तो देखता हूँ ये स्वाम मेरे पीछे लगती है कि नहीं, मैं ऊपर वाली ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि यही सबसे नज़दीक दिखाई दे रहे। अब एक ये शार्क उसको तंग कर रही है उनको, या हमारी इसको मारने की कोशिश कर रही है। देख रहे हो साड़ी, इधर इधर आप इधर मार इसको, इसको ले ले, इसको पहली फुर्सत में सुमड़ी में ले। ये लो, ये भी आ गए भाई तंग करने के लिए। ये कछुए को लगना नहीं चाहिए भाई, कछुए को लगना नहीं चाहिए बाबा, ये बाबा, ये बाबा कछुए को नहीं लगना चाहिए भाई। ये इलेक्ट्रिकल काफ़ी तंग करते हैं यार हमेशा, कछुए को लगना नहीं चाहिए। शार्क शार्क मेरे पीछे, शार्क मेरे पीछे, शार्क शार्क मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा, वहाँ पे उसको तंग मत कर, आ जा पीछे, आ पीछे, नाइस। यस, यहीं पे रे, यहीं पे रे, यहीं पे रे, यहीं पे रे, रे 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 रे, नाइस नाइस, गई गई गई। शार्क तो डेड है, शार्क डेड है यहाँ पे। अभी मेरे को इस स्वाम्प को पीछे लगा के किसी एक कछुए के पीछे लगाना है, अगर वो लो लेवल का होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा फिर। ये रहा, कम ऑन टारगेटिंग, ओके स्वाम्प हैज बीन टारगेटिंग यू, कम ऑन कर दो टारगेट ड्यूड, टारगेट मी, टारगेटिंग। ओके रुक जाओ, मेरे को ज़्यादा खाने पड़ेंगे रेयर फ्लावर्स, ये मेरे ऊपर एक टारगेट होना चाहिए, अगर मेरे पीछे नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कम ऑन स्वाम्प, फिश फिशी फिशी फिशी, कम ऑन पीछे आ जाओ। अबे तुमको नहीं बुलाया था बावड़े, अच्छा नज़दीक आ नज़दीक आ, अगर आ ही गया तो मर के जा साड़े, ये ले मर के जा, नाइस। रुक जाओ, ये स्वाम्प मेरे माइक्रोबी स्वाम्प बींग टारगेटेड बाय माइक्रोबी स्वाम्प, लेकिन कहाँ पे टारगेट कर रही है वो, पीछे ही नहीं आ रही मेरे भाई। मेरे को क्लोज जाना पड़ेगा, आई ना जाओ, अभी तक तो क्लोज जाना पड़ेगा आई थिंक। ये आ ही नहीं रही मेरे पास, लिख के तो आ रहा है, ऐसे ही लिख के आता है बेसिकली, अगर वो आपको टारगेट करते तो ऐसे ही लिख के आता है, द स्वाम्प हैज बीन टारगेटिंग यू। बड़ी है फिलहाल के लिए उस कछुए के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों ये कछुआ सिंह में क्या पड़ा दिख रहा है भाई तुमको। इधर आ जाओ मस्त भाई, की तुमको बड़ा कछुआ खिलाएंगे अपन। अच्छा मेरे बच्ची,
भाई ये कछुए को मारता हूँ, ये कछुए ने मेरा मेरा गेम खराब करके रखा है। ये ले मर जा साले, तूने मेरा गेम खराब करके रखा है पिसाड़े। साले वो स्वाम तेरे पीछे ही लग रही है। ये ले मर 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 बेस क्या मर जा। नाइस ओके आ जाओ मेरे पीछे लग गई है, मेरे पीछे लग गए, काफ़ी बढ़िया। पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, नाइस पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ। शार्क्स शार्क्स दूर रहो, शार्क दूर रहो, शार्क दूर रहे, शार्क दूर रहे, शार्क दूर रहे। उसको डैमेज तो नहीं होता ना, शार्क दूर रहे। नाइस कमॉन फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। नाइस कमॉन कमॉन आ जाओ इधर, मेरे को अभी इसके नीचे रहना है, मेरे को इसके नीचे रहना है बेसिकली। यार वो उनका टारगेट अट गया, ये काफ़ी मुश्किल होता है गाइस। इसी कारण भाई इस कछुए को टेम करना इतना मुश्किल होता है ना, माँ कसम क्या ही बोले यार, क्या ही बोले। ओके रुक जाओ भाई, आ जाओ भाई, सारे भाई तोप गया भाई, सब सब कुछ आ रहे, सारे बंदे आ रहे, सिर्फ वो स्वाम्प नहीं पीछे लग रहे मेरे, कछुआ भी लग गया वो तो अभी। भाई शार्क मर जा, कितनी लेवल की शार्क है ये, वो स्वाम्प वो अच्छी बात है उसके पास सामने घूम रही है, वो इसको टेम कर रही है एक्चुअली में वो। नाइस नाइस उसको टेम कर रही है, उसको टेम कर रही है, एक्सलेंट वर्क एक्सलेंट वर्क, करती रहे करती रहे करती रहे। हिल्स बाघ पहली फुर्सत में निकल, हिल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, निकल। नाइस उसको टेम कर रही है वो स्वाम्प, काफ़ी बढ़िया करती रहे करती रहे करती रहे। ये देख रहे हो गाइस, ऐसे अपन को इसको टेम करना है। 70% हो चुका है, 18% नाइस 19 20, काफ़ी बढ़िया लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो 24, काफ़ी बढ़िया मेरे को लग रहा है ये टेम हो जाएगा। बस वो स्वाम्प उसका पीछा ना छोड़ दे। 19 17 16 15, व्हाट द हेल, ये क्या हो गया, टेमिंग टेमिंग कम, टेमिंग जीरो हो गई कैसे भाई, ये टेमिंग टेमिंग इतने जल्दी कैसे, टेमिंग इतने भाई, व्हाट द हेल। पुट फुट टू इन्वेंटरी टू टेम, अबे ऐसे थोड़ी टेम होता है वो, मेरे को लो लेवल का टेम करना पड़ेगा क्योंकि इसका टीमिंग इफेक्ट ने उसका करके कम हो गया क्या, डायरेक्ट ऐसे टीम होता है क्या भाई। भाई गलती कर दी मैंने, नीचे उतर भाई, पूरा आर्मर खा गए, पूरा आर्मर खा गए बे, पूरा आर्मर खा गए। निकल पहली फुर्सत में, शार्क्स बहुत तंग कर रही है, सब कुछ मारने के लिए आ रहे भाई। इसको टीम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, हद से ज़्यादा मुश्किल है। अबे यार ये मार रहे उसको, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है पांडे जी, पांडे जी ये 140 लेवल का है ना, काफ़ी ज़्यादा ये कर रहा है। रुक जाओ ये काफ़ी 140 लेवल वाले को एक काम कर लेता हूँ, मार देता हूँ उनको क्योंकि ये मेरा गेम ख़राब कर रहा है। मैं लो लेवल वाले को टेम कर लूँगा, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं 20 लेवल वाले को टेम कर लूँगा, उसके लिए तो अभी तक है 900, आराम से बच जाएगा। हाँ काट दे कोई नहीं, तेरे दिन है, रुक जा इसको मार देता हूँ भाई इसमें, ठीक है इसको मार देता हूँ बिकॉज ये काफ़ी तंग कर रहा है। इससे मेरे को शेल फ्रैगमेंट मिल गए, काफ़ी ज़्यादा शेल फ्रैगमेंट, जितना कम लेवल का होगा उतना ज़्यादा जल्दी होगा टेम। रुक जाओ मेरे को एक और सॉन्ग ढूंढनी पड़ेगी, वो रही नीचे, वो रही नीचे नीचे घूम रही है। ओ भाई ये रही एक और सॉन्ग, बहुत सारे रेड फ्लावर खा लूँगा। कमॉन फॉलो मी, नाइस कमॉन फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, नाइस फॉलो करते रहो फॉलो करते रहो फॉलो करते रहो फॉलो करते रहो, स्वाम फॉलो करते रहो स्वाम फॉलो करते रहो। नाइस अभी बढ़िया स्वाम को बस उसके बाबे, यार जाओ ना तुम क्या दिमाग का दही कर देते हो यार। स्वाम्प 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 स्वाम्प, मेरे पीछा मेरे पीछा मेरे पीछा मेरे पीछा मेरे पीछा, नाइस मेरे पीछा मेरे पीछा मेरे पीछा, कमॉन 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 फॉलो मी, इसको सिर्फ टर्टल के पास लेके जाना है मेरे को। ये काफ़ी हार्ड काम होता है भाई इस बड़े टर्टल को टेम करना, जेनेसिस में खास करके। नाइस कर रही है टेम, टेमिंग चालू हो गई आई थिंक टेमिंग चालू कर दी उन्होंने भाई, टेमिंग कमॉन उसको टेम कर दो, जूड उसको टेम कर दो यार, यार उसको टेम कर दो, इधर आओ पीछाओ पीछाओ, फॉलो मी फॉलो मी। मैं ज़्यादा तेज नहीं जा सकता क्योंकि ये स्वाम डायरेक्टली कल्टी मार देगी, और लो लेवल का कोई है क्या। अबे यार ये देख रहे हो क्या बोला था मैं ज़्यादा तेज नहीं जा सकता, ये मेरे को डायरेक्टली ये कर देगी, फॉलो करना बंद कर देगी। अच्छा मेरे भाई जल्दी आओ, धीरे धीरे आओ, हल्लो लो हल्लो लो हल्लो हल्लो, पीछा करो पीछा करो पीछा करो, नाइस पीछा करो पीछा करो पीछा करो। मेरे को इस टर्टल के पास रहना है, सिंपली मैं टर्टल को चिपक के रहता हूँ, मैं टर्टल को चिपक के रह जाता हूँ, टर्टल को चिपक के रह जाता हूँ। कमॉन आ जाओ नाइस नाइस, इस टर्टल के पास आओ, टर्टल के पास आओ भाई, टर्टल रुकना भाई, भाई इतने मुश्किल से तेरे को टेम करने की जुगाड़ कर रहा हूँ भाई, हो ही नहीं रहा वो। ले ले भाई बहुत सारे खा लेता हूँ मैं। अच्छा फॉलो मी नाइस कमॉन कमॉन, एक्सलेंट वर्क, आ जाओ
आ जाओ, पीछा मत छोड़ना, पीछा मत छोड़ना। ये टर्टल भी भाई इधर से उधर घूमे जा रहा है, एक बार मैं टर्टल के पीछे इनको लगा दूँ ना तो काम हो जाएगा मेरा। बस ये भाई पीछा नहीं कर रही यार ठीक से। आ जा मेरे भाई, मेरी बच्ची लोग, कमोन अभी तो आ जाओ, अभी तो आ जाओ, अभी तो यहीं पे हूँ, अभी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कमोन 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 इसके पीछे आओ। अबे यार पीछा करना छोड़ देती है, तुरंत तुरंत ही पीछा करना छोड़ देती है यार ये। कमोन फॉलो मी, फॉलो मी मेरे भाई, ये मार रही है ना मेरे को, एक्चुअली मैं मार रही थी मेरे को। आ जाना भाई पीछे, मार रही है भाई पीछे नहीं आ रही, लेकिन यार वहाँ पे जा रही है। आ जाओ मेरे भाई हो, कमोन नाइस, मार मार खाने के लिए तैयार हूँ मैं। आ जाओ पीछाओ 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 पीछाओ, आ जाओ ऊपर, आ जा भाई, आ जाओ नाइस नाइस, पीछाओ 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 पीछाओ, इसके ऊपर लग जाओ, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके पास, ये कछुए के ऊपर, ये कछुए कछुए कछुआ 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 सिंह नाइस, फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। रुको इनको धीरे धीरे करके लेके जाता हूँ, रुको रुक जाओ रुक जाओ, अरे फॉलो ही कर रहे ना इनको, धीरे धीरे करके उस कछुए के पास लेके जाता हूँ। ये कछुआ सिंह भाई इतना क्यों घूम रहा है भाई, आ जाए एक जगह पर, वो टेम हो रहा था एक्चुअली फर्स्ट वाला कछुआ, ये वाले कछुए को टेम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो फॉलो कर, फॉलो छोड़ दिया मेरा टारगेट बाय माइक्रोवी स्वाम्प भाई, लेकिन कहाँ पे टारगेट, वो तो पीछे रह रही है ये स्वाम्प, स्वाम्प में ये चक्कर है कुछ तो भाई। और इसके इस कछुए के ऊपर ये लिख के क्यों नहीं आ रहा, पुट फूड टेमिंग फूड टू टेम, दूसरे कछुआ कोई है क्या यहाँ पे, ये कछुआ ही फॉल्टी पीछे लगता है मेरे को। आ जाओ नाइस, आ जाओ ये ले भाई, कितना नज़दीक लेके आया उस कछुए के, अभी देखो अभी तो होना चाहिए यार, अभी वो स्वाम्प उसके पीछे लगनी चाहिए, लग गई आई थिंक, यस टेमिंग हो रही है, नाइस टेमिंग हो रही है, टेमिंग हो रही है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, 19% 21 काफ़ी बढ़िया, 24 नाइस एक्सलेंट वर्क, 20 30 30% नाइस, अभी जाना जाओ ना मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कम ऑन 40 कम ऑन 41 45 47 48 50 51 52 53 55 कम ऑन टेम हो सकता है, 60 कम ऑन नाइस एक्सलेंट वर्क, 66 67 70 अबे यार 30% जाना नहीं, स्वाम मरना नहीं कहीं पे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 78 80 81 85 कम ऑन 86 कम ऑन, यार हो सकता है हो सकता है, 91 94, ओ कम ऑन, हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट डन, कम ऑन यस बॉय यस गाइस यस, हमने भाई बड़े वाले कछुए को टेम कर लिया है, नाइस फॉलो मी भाई साहब, क्या क्या भाई मुश्किल काम था भाई ये टेम करना, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पैसे हो जा पैसे हो जा पैसे हो जा पैसे हो जा, आ जा आ जा फॉलो कर, अबे चलो मेरे कछुए को खाओगे, चलो काट के फेंक दूंगा, जो भी मेरे कछुए के ऊपर बुरी नज़र डालेगा फाड़ दूंगा उसको, चलो पंगा नहीं लेना शार्क, शार्क पंगा नहीं लेना, तेरी मुँह को रुक रुक तेरी मुँह का सकिन हो रुक जाओ तेरे को इसकी अखिया, इधर आ शार्क साला, चलो हम इतना मुश्किल से उस कछुए को टेम किया है, तुम क्या मार दोगे उसको, काट देगा अपन, ये ले नज़दीक आना, हाँ ये ले साले भाई इसकी आग लाड़ में आ रही है क्या, इसके सैडल के लिए देखना पड़ेगा अभी क्या चाहिए, उपले मेरे पास सारा सामान हो भाई, शार्क की माँ की आँख सारे तेरी जात को वड़ा फो मोर, रुक भाई शार्क रुक रुक रुक, बहुत उंगली करती है, बहुत उंगली करती है, क्या उंगली है भाई इसकी, इतनी इतनी उंगली क्या है तेरे को, इतनी उंगली क्या करनी है तेरे को, क्या उंगली है भाई, साड़ी साड़ी शार्क रुक, अबे खाना इसको खाना शार्क को, मार 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 दे मार दे शार्क को, मार शार्क को, मार मार शार्क को भेज क्या, ये ले हार्वेस्ट भी कर दिया भाई, लाड़ में आ रही है, मार नहीं रहे तो भाई तर पे चढ़ के मुंह तो गएगा तुम, अभी आ जाओ मेरे 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 कछुआ सिंह, आराम से फॉलो मी, यस 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 आ जाओ भाई साहब, 30 लेवल का हो चुका है इसका, इसका ये है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है बोल सकते हो, इसके लिए खास मैंने ये वाले में उसको रखने वाला हूँ, इस वाला ये वाला जो पार्ट है ना वो सारा फुल भाई कछुआ ही घेरेगा पूरा का पूरा, आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा कछुआ है, रुको ये पूरा पार्ट वही घेर लेगा, ठीक है मैं यहाँ पे इसको ला के छोड़ देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा आगे जाना पड़ेगा मेरे को, आ जाओ भाई साहब क्या बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा है भाई ये, रुक 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 वहीं पे रुक वहीं पे रुक, नाइस आ जा, इसके सैडल के लिए क्या चाहिए एक बार देख लूँ, क्या मांगता है रे बाबा, भाई आर्मर उड़ा दिया, आर्मर रिपेयर हो सकता है क्या मेरे में, हो सकता है रुको पहले रिपेयर कर लो आर्मर, ओके ओके इसका नाम क्या है, मेघाला, अच्छा मेघाला चौलेज कुछ तो है ना, अच्छा इसमें थोड़ी बनेगा, इसमें बनेगा और देखना पड़ेगा, मेघाला सोर्स ही है क्या ये है शायद, हाँ ये है शिल्प, अच्छा मेरे पास सिलिका पल चाहिए, ओ माय गॉड सिलिका पल चाहिए क्या मेरे पास, एक बार देख लूँ मैं,
सिलिका पर्ल्स आई थिंक होने चाहिए मेरे पास, एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे पास नहीं होंगे तो मेरे को पानी में नीचे जाके लेके आना पड़ेगा। सिलिका पर्ल्स तो आराम से मिल जाएगी इस ओशन में, इस बायोम में। हमें अभी ये शेल फ्रैगमेंट, रुक गया शेल फ्रैगमेंट, इसमें शेल फ्रैगमेंट। अच्छा वो खींच लेगा ना डायरेक्टली, एस प्लस मॉड है ना। मेगा स्मिथी में बनता है क्या ये, स्मिथी में बनता है क्या सैडल? मेगा ये रहा, क्या चाहिए? सिलिका पल चाहिए एंड फाइबर चाहिए। फाइबर नहीं है मेरे पास, ओके फाइबर ले लूँगा मैं। सिलिका पल्स कितनी चाहिए भाई? 42 ओनली सिलिका पल्स, ओके थोड़ी सी सिलिका पल्स है, थोड़ी सी कम पड़ रही है। रुको मैं यहाँ पे इससे जाके भाई कच करके लेके आता हूँ। रुक जाओ, यहाँ पे सिलिका पल्स तो मिलनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ओशन बाय बाय और सिलिका पल्स नहीं है ये तो नाम उनकी ने। मूवमेंट स्पीड बढ़ा ले, काफ़ी जल्दी से अपन को पहुँचना है। चला आ जा, सिलिका पल्स, सिलिका पल्स, सिलिका पल्स कहाँ पे? ओके ऑल राइट, यहाँ पे नीचे की तरफ तो मिलनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं अगर इनको मारता हूँ, इनसे सिलिका पल्स तो नहीं मिलती ना, इनसे तो ब्लैक, ये ब्लैक पल। अच्छा ये आई सिलिका पल्स मिलती है इनसे, लेकिन काफ़ी कम मिलती है। ओके इनसे काफ़ी कम सिलिका पल्स मिलते हैं, इनको मार के मैं ले सकता हूँ एक्चुअली में। रुक जाओ इनको मारने दो, लेकिन काफ़ी कम कम मिलेगी वो। ये देखो अरे भाई साहब, मेरे को वो लेके आना चाहिए था, मेरे को वो लेके आना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है ना, इसलिए मैं ये इल्स को मार दूंगा ना। मेरी शार्क तो इल को मार सकती है, मेरी शार्क इल्स को मार सकती है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। इल्स आ जाओ, इल्स आ जाओ, भाग रहे हो साड़ो, आ जाओ ना, दम है क्या, फटी गई हो। इससे मिलेगा मेरे को खतरनाक वाला सिलिका पल्स, आई थिंक ब्लैक पल और सिलिका पल। नाइस 14 मिल गया। रुक जाओ जाओ, आप भी कर देता हूँ इनको, इसको मारता हूँ। रुको भी, ये बहुत तंग कर रही है, ये बहुत तंग कर रही है अकेली अकेली। रुक जा, ये ले, मरने वाले मरने वाले, मर गई मर गई। नाइस 42 चाहिए था ना बस, सिलिका पल्स ऑलमोस्ट हो चुका है मेरे पास। ये टॉर्पोर दे दे, लेकिन ये जो है ना, ये टॉर्पोर देने का काम करते खतरनाक वाला। नाइस 17 और एंड फिर भी को खत्म खत्म। चलो काम हो गया होगा अपना, मेरा सैडल तो बन जाएगा आराम से। चलो बेस के पास पहुँचते, ये रहा बेस अपना। गाइस अभी अपन चढ़ाने वाले भाई बड़े कछुए को, भाई भाई साहब आप देखोगे बोलेगा भाई क्या ही है, लेकिन स्लो बहुत है ये कछुआ। इसके ऊपर आप घर बना सकते हो, एकदम खतरनाक वाला घर बना सकते हो। और इसका प्लेटफॉर्म सैडल नहीं, इसका प्लेटफॉर्म सैडल तो नहीं होता आई थिंक, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट घर बनाना पड़ता है। ओके इसके अच्छा इसके अंदर से तो वो खींच लेगा ना डायरेक्ट डायनोस के अंदर से, एस प्लस मॉड। रुक जाओ देख लेता हूँ भाई, इतना ओवर वेट क्यों, मैंने क्या उठा लिया है? ओके रुको, मेगालो ये रहा, और तो फाइबर, अच्छा फाइबर चाहिए और। ओके रुको ऊपर से फाइबर लेके आता हूँ। अच्छा मेरे बच्चे भाई, मेरे इन्वेंटर में कुछ तो भाई गलत चीज़ हो चुकी है। रुक जाओ ये सारी चीज़ इसमें डालें दो, तो भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट हुए जा रहा हूँ। लेट्स गो, चला आ जाओ, मेरे को सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा फाइबर चाहिए। मेरा बंदरू कहाँ पे चला गया? ये बंदर राम कहाँ पे? अभी भूल जाता हूँ एक एक चीज़ को, मैं शायद उधर ही छोड़ के आ गया उसको, कोई ना। चलो 150 चाहिए आई थिंक, 200 फाइबर लेके चला जाता हूँ मैं। आई थिंक 150 चाहिए, ऑलमोस्ट 200 फाइबर। ओके डन, लेट्स गो, अभी मजा आएंगे ना वीडियो गाइज, लेट्स गो बॉयज। भाई साहब खतरनाक मजा आने वाला है अभी, लेट्स गो, आ जा मेरे भाई चल। और ये बना यहाँ पे गाइज हमारा सैडल, ये वाला सैडल। अच्छा मेरे इन्वेंटरी में से वो खींच नहीं पाएगा मेरे को पर्सनली यहाँ पे। अभी 700 फाइबर था मेरे पास यार, क्या गुंडा बनेगा रे मैं। मैंने अपनी इन्वेंटरी चेक नहीं की, मेरे इन्वेंटरी में काफ़ी ज़्यादा भाई पड़ा हुआ था। ओके चलो भाई बन रहा है बन रहा है, बन जा मेरे बच्ची टच करके। भाई साहब ये मेल है या फीमेल में देखा ही नहीं, जब देख लेता हूँ। ये रहा उसका सैडल, इसका सैडल देखोगे ना एकदम वीआईपी की तरह दिखाई देता है रुको, एकदम वीआईपी मतलब जो होता है ना, जैसे रेड रेड लाइन से लगाए हुए थे वैसे होता है इसका सैडल। ये शायद ऑक्सीजन देने का काम करता है, यस ये देख रहे हो, इसके ऊपर ऐसे खड़े रहोगे भाई आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, देख रहे हो भर भर के ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पे। इसकी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इसको मार दे। उसके बाद इसका स्टैमिना थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड राइड करके दिखाएंगे आपको। पहले जमीन के ऊपर इसको लेके जाके दिखाता हूँ, रुक जाओ। भाई साहब क्या ही स्लो है भाई, कितना टाइम लग रहा है देख रहे हो आप भाई, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टाइम लग रहा है। आगे जमीन के ऊपर अच्छा, और ऊपर और ऊपर आ, नाइस ये देखो भाई साहब, ये देख रहे हो भाई ये सीट से यहाँ पे एक्चुअली में लगता है ऐसे भाई लाइन लगाई हुई है, और ये हमारा राइड करने का स्टेशन। यहाँ पे हम शायद ये बना सकते हैं अपना घर बना सकते हैं मस्त भी की। शायद मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा सकता हूँ क्या, लगा सकता हूँ आई थिंक मैं फाउंडेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको थैच की एक बना लेता हूँ। थैच की फाउंडेशन अगर लग गई तो बाकी की सारी फाउंडेशन यहाँ पे लग जाएगी क्या? इसका कोई प्लेटफॉर्म सैडल है क्या? पता नहीं, चेकआउट करना पड़ेगा।
ये देखो फाउंडेशन यहाँ पे आराम से लग सकती है। देखो देखो यहाँ पे अपन भाई खतरनाक वाले घर बना सकते हैं इस कछुए के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे गाइस अभी इसको इसका जो अटैक बिटैक है आपको पहले इसका लुक दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से लुक तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन ऊपर से देख सकते हो आप क्या ही लग रहा है भाई खतरनाक वाला, ठीक है। एकदम बड़ा सा भाई एकदम प्लेटफॉर्म है, मैं आपको एकदम जमीन के नीचे से दिखा देता हूँ उनको इसका। अबे जमीन में कैसे जाता है, सी से जाता है ना, हाँ सी से नीचे जाता है एक्चुअली में, सी से नीचे जाता है। देखो इसका लुक देखो पानी के अंदर, ओ भाई साहब देख रहे हो भाई बड़ा सा कछुआ सिंह एकदम खतरा। एक मिनट रुक जाओ मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको जमीन के ऊपर चढ़ा सकता हूँ और आपको लुक दिखा देता हूँ एंड में दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है, ठीक है। ये देखो भाई साहब इसका अटैक कौन सा है, इसके दो ही अटैक है, एक तो है इसका ये वाला अटैक जो कि बाइट वाला अटैक, देन लेफ्ट क्लिक से क्या करता है ओ भाई मुंह से पानी छोड़ता है ये भाई साहब, ये मुंह से पानी छोड़ने का काम करता है। ओ इसका ये ये बबल दिख रहे हो, एक मिनट के ओके मुंह से पानी छोड़ता है, सी से तो ये नीचे जाता है स्पेस से ऊपर जाता है एंड डब्ल्यू एच डी से आगे, और कोई अटैक नहीं है, एक बाइट अटैक है। ये पानी वाला अटैक मैं एक बार देख लेता हूँ, उनको शायद ये इस पानी वाले अटैक से किसी को दूर फेंक सकता है, लाइक इस शार्क के ऊपर ट्राई करते हैं अपन। ना वो रेंज में नहीं है उसके, वो रेंज में नहीं है, या फिर वो तो मरी हुई है, या तो उसके रेंज में नहीं या तो मरी हुई है, शायद ये मरी हुई शार्क है, शायद मरी हुई शार्क है, यस मरी हुई शार्क है। क्या मैं इसको दूर फेंक सकता हूँ, इसके क्लोज जाना पड़ेगा बस, अगर कोई इसको अटैक करने आ जाता है तो आई थिंक तब ये यूज कर सकता है ये वाला अटैक। ये देखो ना 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 शायद ओ अच्छा ये बबल्स क्रिएट करता है, ये बबल जो थे ना ये इसके थे, ये एक्चुअली में जमीन पे भेज देता है सबको, ठीक है ये सबको जमीन में भेज देता है तुरंत। रुक जाओ आपको दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। अभी समझ लो ये कोई यहाँ पे है, भाई भाई क्या ही चिल्ला रहा है भाई, इसकी स्पीड काफी स्लो है ये भाई, अपन बोल सकते हैं काफी ज्यादा स्लो है। तो अभी समझ लो मेरे को किसको ऊपर भेजना है, लाइक इसको ऊपर भेजना है, तो मैं यहाँ पे इसे चिल्लाऊंगा एंड एक बबल क्रिएट होगा, सिर्फ मेरे को उसके रेंज में चले जाना है। ये देखो ये उसके ऊपर एक बबल क्रिएट हो गया, ये ऑटोमेटिकली हवा के ऊपर चली जाएगी, देख रहे हो तैर तैर के। अब इन शार्क को हवा के ऊपर मतलब एकदम सरफेस पे भेज देता हूँ, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ी कर रही है, लपड़ी कर रही है, रुको ये देखो लाइक मेरे को यहाँ पे सिर्फ ऐसे इस तरह से ये कर देना है एंड इनके ऊपर बबल क्रिएट नहीं हुई इस बार, वॉट देन मार दे भाई वो ये भाई इसका गलत सीन है, बहुत गलत सीन है। बाय बाय एक काम कर जल्दी एक काम कर लग गए, लग जाएंगे वरना लग जाएंगे खतरनाक वाले लग जाएंगे, एक काम कर बस भाई साहब। ये होती भाई निंजा टेक्निक, मैं नहीं चाहता मरवाना इस कछुए को कुछ किसी भी हालत पे, इतना मुश्किल से एक तो टेम किया है, बंदे बोले ओए कुत्ते की मौत मरवा दिया तूने कछुए को, ना भाई ऐसे नहीं करेंगे अपन। अभी अपन को टिप्स एंड ट्रिक भाई याद आ चुकी है, अपन डायरेक्टली जैसे खतरा महसूस होता है भाई टेलीपोर्ट मारो भाई, इसका डैमेज भी मैं ज़्यादा नहीं होगा, मैं इस कछुए छोटे कछुए को ये ट्राई मारता हूँ, आई थिंक इसका बाइटिंग डैमेज थोड़ा सा मतलब एकदम मुँह के नज़दीक आना पड़ता है तभी ये दे पाता है, वरना दे नहीं पाता है, ठीक है। ये देखो लाइक इस कछुए का एकदम नज़दीक 263 है बाइटिंग डैमेज, एकदम मुँह के पास आना चाहिए, ये देख रहे हो इसे मुँह के पास आओगे तभी डैमेज पड़ेगा, वरना डैमेज आपको नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ये देखो 263 है भाई, कितना आवाज़ करता है भाई ये कछुआ, कितना आवाज़ करता है ये कछुआ, मेरे ऊपर चढ़ सकता है क्या ये कछुआ, क्या मेरे ऊपर चढ़ सकता है, ये देखो इसकी डेड बॉडी मेरे ऊपर, इसकी डेड बॉडी मेरे ऊपर, ये देखो अभी इसको हार्वेस्ट करूंगा भाई साहब, ये देख रहे हो भाई साहब क्या ही बोले यार, क्या ही बोले, आजा ए जा नीचे जा क्या ही बोल सकते भाई साहब डेड बॉडी सीधा भाई अपने बॉडी के ऊपर। चलो इसको अभी मैं ऊपर चढ़ा के आपको एक बार इसका लुक दिखा देता हूँ, बस 4 साल लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई साहब, क्या ही लग रहा है भाई, कत ही जहर लग रहा है यार ये कछुआ सिंह, क्या ही बोले भाई उस प्लेटफॉर्म पे से मेरे को उसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, या फिर एक और काम कर सकता हूँ मैं, टेलीपोर्टर लगा सकता हूँ ऊपर एंड वहाँ पे उसको ये कर सकता हूँ, टेलीपोर्ट करा सकता हूँ, लेकिन वो फिर ये हो जाएगा निकालने बिकालने का इशू हो जाएगा, रुक जाओ उससे अच्छा मैं वहाँ पे उसको चढ़ा ही देता हूँ, उनको इसको डायरेक्टली यहाँ से चढ़ा देता हूँ, इनको थोड़ा सा अपन साइड में लेके जाएंगे लाइक यहाँ पे, आ जाओ सारे एक काम करो फॉलो करो सारे आ जाओ फॉलो मी इन सबको आने दो यहीं पे, नाइस यहीं पे रहो
ओके डन ऑल राइट। कछवा सिंह तू फॉलो मत कर भाई, तू तेरे आने में 4 साल लग जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा ठीक है। अभी इसको मैं प्लेटफॉर्म पे से अगर ऊपर चढ़ा पाए तो सही बात रहेगी, अगर नहीं चढ़ा पाए तो लग जाएंगे बस, बस पोपट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। चढ़ जा मेरे भाई, ऊपर चढ़ जा। अच्छा इसको थोड़ा सा एकदम पीछे से लेके आना पड़ेगा, इसका ऊपर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसका ऊपर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है मेरे को। कृपया अपन भाई कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। रुको जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नाइस नाइस एक्सीलेंट वर्क। चढ़ जाओ ऊपर, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जाओ चढ़ जा भाई। अबे पैर डाल दे ऊपर, अबे पैर डाल पैर डाल। अभी इसके पैर ही नहीं पहुँच रहेगा इसके ऊपर, इसके पैर जो है ना ऊपर पहुँच ही नहीं रहे, तो ये ऊपर जा ही नहीं सकता। कोई नहीं चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और गाइस एक काम कर लेते हैं भाई, कितना आवाज़ करते हैं पानी का, देख रहे हो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है पानी का। ये हमने फीमेल टेम किया है गाइस, ये बड़ा वाला कछुआ सिंह जो है ये हमने फीमेल टेम किया है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में फीमेल वाले नाम सजेस्ट करना मत भूलेगा। और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल की, उसके चैनल को जाके चेकआउट करना नहीं भूलेगा, फटाफट जाइए चैनल चेकआउट कर लीजिए। उसके साथ हम आर्क पुगनास किया प्राइमल फियर और बहुत सारे मॉडेड क्या बोल सकते हैं मॉड्स की मॉडेड मैप की, यस मॉडेड मैप की एक सीरीज शुरू करने वाले, जैसे कि पुगनासिया सीरीज शुरू करने वाले, प्राइमल फेरे तो अपना चल रहा है, और उसके बाद हम मिथिकल वाली भी सीरीज गेमिंग बिताने के साथ शुरू करने वाले। तो जाके चेकआउट करना नहीं भूलेगा उसके चैनल को। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल वॉल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइज आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताएगा, और इस कछुए के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में नाम फीमेल वाले नाम ठीक है सजेस्ट जरूर कीजिएगा। सो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's